हाय व्यूअर्स, और आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बिस्किट केक। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और हम लोग को खाने में केक काफ़ी पसंद भी होती है, और इसे बनाने के लिए हमें काफ़ी कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने लिया है यहाँ पे करीब 25 पार्ले जी बिस्किट, 1 ग्लास दूध, बेकिंग पाउडर। मैंने लिया है यहाँ पे पिसी हुई चीनी। आप चाहे यहाँ पे नॉर्मल चीनी को पीस कर यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आइए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिस्किट को थोड़ा तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सर में डालेंगे। इसी तरह से हम सारे बिस्किट को तोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ बिस्किट को तोड़ लिया है। हम डाल देंगे इसे मिक्सर में। इसका हमें स्मूथ सा एक पाउडर बनाना है, तो हम इसमें पीस लेते हैं ऐसे। तो मैंने बिस्किट का पाउडर बना लिया है, इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम एक बोल में। इसी तरह से हम बचे हुए बिस्किट को भी पीस लेते हैं। तो मैंने अभी बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है। हम डाल देंगे इसमें ये पाउडर शुगर। मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे साथ में हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। हम डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमें लम्स नहीं रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कांटे के हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। आप मेरे पास बिस्कर नहीं है, आपके पास बिस्कर है तो आप उसे ही उसे आप अच्छे से फेटिए। तो अगर आप चम्मच से फेट रहे हैं यहाँ पे, इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेटेंगे हम, ताकि इसमें लम्स ना रहे। मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से फेट लिया है। अब डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और थोड़ा ड्राई फ्रूट रख लेंगे हम उसके टॉप पे लगाने के लिए। तो इसे भी हम इस तरह से चलाते हुए फेंट लेते हैं। तो मैंने अभी अच्छे से फेंट लिया है। हम इसे साइड में रख लेंगे। ले लेंगे हम एक केक का मोल्ड। मैंने इसे पहले ही ग्रेस कर लिया है। मैंने यहाँ डाला था 1 चम्मच बटर, और इसे उसे मैंने चारों तरफ फैला दिया था। उसके बाद डाला मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मैदा, और इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ डस्टिंग कर ली है। और एक्स्ट्रा मैदा जो बचा था मैंने उसे बाहर निकाल लिया। तो अब डाल देंगे इसमें हम केक का मोल्ड। अब देखते हैं हमारा बैटर कितना अच्छा बना है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे इसे केक मोल्ड में, और इस तरह से हम इसे टैप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से टैप कर लिया। डाल देंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को, और इसे हम 180 डिग्री पे करीब 20 से 25 मिनट के लिए इसे बेक कर देंगे। मैंने यहाँ पे अवन को प्रीहीट करके रखा है पहले से। तो मैंने यहाँ करीब इसे 25 मिनट के लिए बेक कर लिया था। हम एक टूथपिक या फिर नाइफ से इसमें प्रिक करके देखेंगे। ये हमारा टूथपिक बिल्कुल साफ निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से पक चुका है। हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो अब हम इसे डिमोल्ड कर देते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे डीमोल्ड कर दिया। अब इसे हम कट करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी केक कितनी अच्छी बनी है, और कितनी फ्लफी भी है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे बताइए आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।